मित्रों, आज हम एक बहुत ही मजेदार खिलौना बनाएंगे। देखिए, ये इसकी बोतल है प्लास्टिक की और इसका पेंदा कटा है, और जब मैं इस बोतल को अप डाउन करता हूँ एक पानी के जार में, तो ऊपर का स्पिनर गोल गोल घूमता है। इसको बनाने के लिए हमको दो स्ट्रॉ चाहिए, एक मोटी एक पतली, एक दो लीटर की पानी की बोतल चाहिए और कुछ अन्य सामान चाहिए। सबसे पहले आप मोटी स्ट्रॉ का एक टुकड़ा लें, उसको बीचों बीच मोड़ें। उसके बाद में इसके जो जोड़ हैं उसको हल्का सा एक त्रिकोण काटें, एक ओर और फिर दूसरी ओर एक त्रिकोण काट दें। अब जब आप स्ट्रॉ को खोलेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल एक डायमंड शेप्ड होल दिखाई देगा। अब इस होल को, इस छेद को बिल्कुल अपने सामने रखें और दोनों सिरों के, स्ट्रॉ के दोनों सिरों को आप दबा दें, और दबाने के बाद में इनको इंसुलेटिंग टेप, एक रंगीन टेप से इनका मुंह बंद कर दें, बिल्कुल सील बंद कर दें दोनों तरफ के सिरे। उसके बाद कैंची लेकर के एक सिरे के आप एक कोने को थोड़ा सा काटें जिससे उसमें छेद बन जाए, और दूसरी ओर बिल्कुल उससे डायमेट्रिकली ऑपोजिट सिरे को काटें। अब इस स्पिनर में दो छेद बन जाएंगे और दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं। अब ये तो बन गया मोटी स्ट्रॉ से हमारा स्पिनर। अभी देखिए, पीली बेंडेबल स्ट्रॉ है, इसके मुंह के पास जो छोटा सिरा है, हम एक छोटा सा वी कट लगाते हैं, उसमें छेद हो जाए, इसी के अंदर हमारा स्पिनर जाएगा। उसके बाद में एक, सबसे पहले हम एक लकड़ी का मोती लेते हैं बड़ा सा, जो ढीला हो, और मोती के पीछे हम एक पिन को लगा देते हैं जो स्टॉपर का काम करेगा। अब हम अपने स्पिनर को इसमें पिरोते हैं और जो पीली स्ट्रॉ का मुंह है उसमें एक थर्मोकोल की गेंद को चिपका देते हैं, ये भी एक स्टॉपर का काम करेगा। अब देखिए, लगभग हमारा स्पिनर तैयार है। पीली जो स्ट्रॉ है उसके दूसरे सिरे से जब फूकेंगे तो सफ़ेद स्ट्रॉ के दोनों छोरों से हवा निकलेगी और ये पंखा, ये प्रोपेलर गोल गोल फर फर करके घूमेगा। अब 2 लीटर की बोतल के पेंदे को काटें और उसके ढक्कन के अंदर एक छोटा सा छेद बनाएं। देखिए, पेंदा नीचे से कटा है और इस जो ढक्कन के छेद में हमारी पीली स्ट्रॉ एकदम प्रेस फिट हो, कोई लीकेज ना हो वहाँ से। आप चाहें तो जोड़ पे थोड़ा सा गोंद भी लगा सकते हैं। अब आप बोतल को जैसे ही एक पानी भरी बाल्टी में नीचे डुबाएंगे, बोतल में पानी जाएगा जिससे हवा बाहर निकलेगी और पंखे को या प्रोपेलर को गोल गोल घुमाएगी। ये है हमारा इजी प्रोपेलर, एक विज्ञान का भी प्रयोग और बहुत मज़ेदार खिलौना। ये न्यूटन के जो तीसरा नियम है उसका भी सत्यापन करता है कि हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।